हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जी एडवांस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि यार अगर हम एडवांस की तैयारी करने के लिए आए हैं, कहाँ पर आए हैं, एडवांस की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो एक अच्छे बच्चे की अगर मैं आपसे बात करूं कि एक अच्छे बच्चे को क्या पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि यार मुझे क्या पढ़ना है। देखो, एक टैलेंटेड बच्चा और एक एवरेज बच्चा, बच्चा एवरेज कभी नहीं होता, उसकी मेहनत एवरेज होती है, फिर भी वो एवरेज मेहनत करके भी एडवांस में सेलेक्ट हो जाता है बढ़िया रैंक के साथ। और जबकि एक टैलेंटेड बच्चा, हम लोगों ने देखो, मैं आपको मेरे बारे में बता दूं कि मुझे 7 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और कोटा के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे। हर साल हम लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों को कि एक एवरेज बच्चा बढ़िया रैंक के साथ सेलेक्ट हो रहा है, जबकि एक टैलेंटेड बच्चा जो होता है ना, वो क्या होता है, उससे भी कम रैंक पे सेलेक्ट होता है। पूरे साल भर हमारे साथ जब बच्चा पढ़ता है, हम लोग उसको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि यार साला ऐसा क्यों हुआ, उसका पता है क्या रीजन आया निकल के सामने। उसका रीजन ये आया कि जो टैलेंटेड बच्चा था, उसको मालूम था कि हमारा सिलेबस तो यही है, पर फिर भी वो क्या करता था, जो उसको पढ़ना था। भाई, एक अच्छे बच्चे की खास बात ये होती है कि उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि यार इतना पढ़ना है, या इससे अपर लेवल पढ़ना है, इससे लोअर लेवल पढ़ना है। मान लो कि एडवांस का सिलेबस का लेवल इतना सही है, और वो जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो क्या करता है, वो बच्चा इस लेवल से यहाँ चला जाता है। जब इस लेवल से यहाँ जाएगा भाई, तो ये लेवल पर जाने के लिए तेरे को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। पहली बात, भले ही आप टैलेंटेड हो, बात अलग है, टाइम बहुत कम है भाई, वो टाइम तो उसने वहां बर्बाद कर दिया। जबकि एवरेज बच्चे को पता था कि इस लेवल का ही पढ़ना है भाई, इस लेवल का ही पढ़ना है, ना मुझे इससे ऊपर जाना है ना इससे नीचे जाना है। तो उसको एक सही डायरेक्शन पता थी, उसको क्या थी, एक सही डायरेक्शन पता थी। नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है दोस्त, नीचे से ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है, पर साला जब ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो चुटकियों में निकल जाता है काम। तो जो बच्चा टैलेंटेड था, वो जब इस लेवल पे चला गया, तो सिलेबस का तो भूल ही गया चीजें यार, जो उसको पढ़ना था उस तो उसने पढ़ा नहीं, अब वो पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं यार, टू द पॉइंट पढ़िए, और एकदम वही चीज पढ़िए जो आपके काम की है, जो आपका सिलेबस की है। अब बच्चे क्या करते हैं, इरोड़ो मिला लूं सर, पाथफाइंडर मिला लूं सर, क्रूटो मिला लूं सर, फिजिक्स गैलेक्सी मिला लूं, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स मिला लेते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई बुक खराब नहीं है, सारी बुक्स बेस्ट हैं, पर बात है कि जो भी आप मटेरियल लेते हो, कोई सी भी बुक मिलाते हो, कंप्लीट करिए उसी को, एक ही बुक फॉलो करो पर कंप्लीट करो, आराम से सेलेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोकेगा आपका सिलेक्शन। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है आईआईटी में सेलेक्ट होना यार, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है आईआईटी में सेलेक्ट होना, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट काम करिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करिए। भाई ये बुक मिलानी है तो ये कंप्लीट मिलानी है, इसके बाद मुझे दूसरी बुक की तरफ देखना ही नहीं है। अरे उसी बुक से सारे कंसेप्ट क्लियर कर दो ना भाई, एक ही बुक से। अब हजारों बुक के पीछे पढ़ोगे या 10 बुक के पीछे पढ़ोगे, साला एक भी आपने कंप्लीट नहीं करी तो काम नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो बात इतनी सी है दोस्त कि आपको काम करना है कि आपका सिलेबस कितना है उसी लेवल का काम करना है। आपको कोई पीएचडी में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी है आपको, सिर्फ आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए अभी, ना उससे कम करना है। क्लियर? आज का जो टॉपिक होगा अपना, वो इलेक्ट्रिक करंट में इरोड़ो के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो को लाइक कर दो, और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है आपके लिए, हर दिन एक नया और बढ़िया कंसेप्ट सिखाने के लिए, और हम लोग उसी लेवल से काम कर रहे हैं। हमें पता है, हमें बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, हमें पता है कि बच्चे को यही लेवल सिखाना है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर तो हमें पहले से ही आता था। अरे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई, जो आपको पहले से आता है उसको आपको वापस सीखने की जरूरत नहीं है भाई, टाइम बहुत कम है, आपको आता है बहुत बढ़िया बात है, जिन बच्चों को नहीं आता उनको सिखाने आए हैं, जिनको आता है उनको सिखाने थोड़ी आए हैं यार। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो देखिए, आज बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट का, बहुत प्यारा और कमाल का क्वेश्चन। अब आपको जैसे इलेक्ट्रिक करंट का नाम आया, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर देखो आप कौन सा क्वेश्चन लाए होंगे, कि आप सर क्वेश्चन लाए होंगे कौन सा, लेडर प्रॉब्लम लेकर आए होंगे। हाँ बिल्कुल नहीं लाया सर, आप लाए होंगे सर्किट थ्योरी वाला, स्टार डेल्टा वाला, वो भी नहीं लाया।
स्टार डेल्टा पहले ही करा दिया, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने, एडवांस सर्किट थ्योरी में लेक्चर सीरीज में मिल जाएगा, फिर कौन सा लाए। आज कुछ नया और बहुत प्यारा कंसेप्ट लाया हूं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, मैंने पहले भी बोला है। और कमेंट में जरूर बताया करो यार हमेशा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है भाई, ताकि हम और बढ़िया करें। इससे बेटर क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम दिन रात लग जाए तुम लोगों के लिए। क्लियर है? आज का क्वेश्चन यार बेस्ट है क्या? देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं आपके लिए, देखो क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जो एग्जेक्ट क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। हाँ ये वाला क्वेश्चन सर, देखिए इरोड़ो का क्वेश्चन है 163। क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर है, मैं क्वेश्चन को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लैंग्वेज में पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर पोअर कंडक्टिंग मटेरियल को रख दिया। हाँ सर, अब क्या होगा सर कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी लीनियरली वेरी कर रही है सिग्मा वन से सिग्मा टू, जिसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। हाँ सर, तो क्या होगा? इसने कहा है कि करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, देखिए। द गैप बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद एन इनहोमोजीनियस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम हुज कंडक्टिविटी वेरी लीनियरली इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द कैपेसिटर। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है कि इसकी जो कंडक्टिविटी सिग्मा वन से सिग्मा टू, ईच प्लेट का एरिया भी दे रखा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट डी इक्वल टू 2.0 mm, फाइंड द करंट फ्लोविंग थ्रू वोल्टेज। वोल्टेज दे रखा है, करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर। अब साला जैसे ही कैपेसिटर में करंट का क्वेश्चन आता है सर, पहली बात तो हम देखो अप्रोच कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अप्रोच कैसे करना है यार, वो भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? अब अप्रोच कैसे करें सर? जैसे ही कैपेसिटर में करंट का क्वेश्चन आया तो हमें चमकता है सबसे पहले आरसी सर्किट। क्या चमकता है भाई? आरसी सर्किट चमकता है। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं ताकि मैं आपको दिखाई दूं। जैसे ही कैपेसिटर में क्या आता है, किसका क्वेश्चन आता है? करंट का, तो हमें आरसी सर्किट चमकता है सर। अब जैसे ही आरसी सर्किट चमकता है सर, तो आरसी सर्किट में हम क्या करते हैं सर, चार्ज वाला चार्जिंग फॉर्मूला क्यू बराबर क्यू नॉट वन माइनस ए की पावर माइनस टी बाई टू रट लेते हैं, इससे करंट निकाल लेते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टू। जब इस क्वेश्चन को देखा तो इसमें तो कोई टाइम ही नहीं दे रखा। अब हम सोचते हैं कि सर टी बराबर जीरो लगा दे क्या, या टी बराबर इंफिनिटी लगा दे क्या? क्या लगाए सर? टी बराबर जीरो पर सर फुल करंट फ्लो होती है, और टी बराबर इंफिनिटी पर सर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। साला ऐसा भी कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ तो। हाँ अब क्या करें? मैंने कहा मेरी बात सुनना बेटा, आपने कैपेसिटर में इस क्वेश्चन को मैं अब छोटा कर रहा हूं, क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा, जगह बनाते हैं, क्योंकि जीवन में जगह बनाना बहुत जरूरी है। जीवन में जगह बनाना बहुत जरूरी है, जिसने जगह बना ली वो जीत गया भाई। देखिए इधर कहानी ये है कि यार आपने क्या लीकेज करंट सुना है? लीकेज करंट सुना है? लीकेज करंट क्या होता है? एक्चुअल में चार्ज कैपेसिटर आप लेकर आओ। क्या लेकर आओ? चार्ज कैपेसिटर। उस चार्ज कैपेसिटर को आप रख दो विदाउट कनेक्शन, घर में लाके रख दो, थोड़े दिन बाद आप देखोगे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कैसे डिस्चार्ज हुआ भाई? वो डिस्चार्ज होता है, उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। अब कैसे फ्लो हुआ, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन लीकेज करंट पे ही होगा, वो भी करेंगे अपन, वो बात अलग है। बस यहाँ तो आइडिया बताऊंगा, अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन है इरोड़ो का 163, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से होगा वहां पर। यहाँ पर जो आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या पुअर कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, एक्चुअल में ये प्लस और ये माइनस। अब साला क्या होता है कि इसी के अंदर से, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से एक करंट फ्लो होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं भाई? लीकेज करंट। क्लियर? हाँ सर, इसको लीकेज करंट बोलते हैं। अब यह लीकेज करंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, लीकेज करंट कैसे निकालोगे भाई? वी बराबर सर आई आर होता है, मतलब वोल्टेज तो दे रखा है, हम रेजिस्टेंस निकाल ले तो हमारा काम चल जाएगा। डायमेंशन इसकी सारी आपको पता है, एरिया ए, डिस्टेंस डी है, कैपेसिटेंस सी है।
चलो बताना मेरे को कि इसका लीकेज करंट कैसे निकालोगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है सेम टू सेम। अब इसको यहां पर, ये तो छोटा सा कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन को कैसे करें देखते हैं। आ जाओ इसको मिटा दूं भाई। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है देखिए, इधर जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में मैंने अभी समझाया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई। क्या है भाई? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखो 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 देखो। हाँ सर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर। बहुत बढ़िया। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक पुअरली कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया साला, जिसकी तो क्या वेरी कर रही है कि यहां पर इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा है और यहां पर सिग्मा टू है। लीनियरली वेरी कर रही है। क्या कर रही है? लीनियरली वेरी। और ये डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? डी। अब मुझे एक बात बताओ, लीनियरली वेरी करेगी तो हमारे दिमाग में ये चमकना चाहिए कि सबसे पहले तो करंट निकालना है, क्योंकि वोल्टेज भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस आ जाए निकालना हमें। अब साला रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन कैसे करें भाई? ये तो पता चल गया कि यार करंट ऐसे ही फ्लो होगा इसमें, ये तो पता चल गया हमें करंट ऐसे ही फ्लो होगा। तो सर रेजिस्टेंस हमने इलेक्ट्रिक करंट में सीखा है निकालना। रेजिस्टेंस क्या होता है कि सर? रेजिस्टेंस होता है क्या? आर बराबर रो एल बाई ए। एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ हाँ सर, है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर। हाँ अब क्या करें सर? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुने। देखो 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 देखो, अब कैसे निकालें सर? तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे भाई, कि सर देखो हम क्या करें कि यार ये रेजिस्टिविटी नहीं दे रखी है इसमें, तो रेजिस्टिविटी कैसे निकालें कि यार ये कंडक्टिविटी है ना, जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन होता है कि जो, हाँ ठीक है। देखो इधर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन होता है कि जो कंडक्टिविटी होती है सिग्मा बराबर, कौन है भाई? ठीक है हाँ, सिग्मा बराबर क्या? 1/ρ होता है सर। क्या होता है? 1/ρ। बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। लीनियरली वेरी कर रही है तो आपको ग्राफ बनाना आता है क्या? देखो इधर सिग्मा ले लो और डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही है, लेंथ के साथ सिग्मा और एक्स का। लीनियरली वेरी कर रही है तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एक्स बराबर यहाँ 0 ले लो और ये वाला पूरा एक्स है, मान लो यहाँ से आते कि एक्स डायरेक्शन। तो जब 0 था, एक्स 0 था, तो कंडक्टिविटी 0 नहीं थी, वो कितनी थी? सिग्मा 1। और जब लेंथ कितनी हो गई? डी। तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो गई? सिग्मा 2। बहुत बढ़िया। अब सुने, क्या आपको इक्वेशन आता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी? हाँ सर। एम क्या है? स्लोप। और स्लोप होता है सर टेन थीटा। टेन थीटा यहां से ये बाई ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सर ये हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन डी। आराम से सीखते, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखो सर वाई में तो सिग्मा आ गया, बहुत बढ़िया। स्लोप आ गया सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन डी इंटू एक्स, प्लस सी इंटरसेप्ट कितना है? सिग्मा 1 है। बहुत बढ़िया। तो बेटा रेजिस्टिविटी लिख दूं क्या? देखो रेजिस्टिविटी क्या लिखूंगा, 1 अपॉन सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/d इंटू एक्स प्लस सिग्मा 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब तो बहुत आसान हो गया सर। कैसे? सुनना, अब क्या करेंगे हम, रेजिस्टिविटी आ गई, अब इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यू पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे भाई वैल्यू? वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि यार यहां से एक्स पे जाके डीएक्स का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करो, मतलब छोटा सा कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, छोटा सा कैपेसिटर ले लिया सर। हाँ सर, या छोटा सा रेजिस्टेंस की लेंथ ले लो डीएक्स, जो ये मटेरियल है इसके अंदर, इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस लिख दो। यहां पर करें हम, हाँ जगह बनाते चलते हैं। हाँ सर, अब देखो यहां पर छोटा सा रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? रेजिस्टिविटी तो ये रही, ये वैल्यू डालो रेजिस्टिविटी की जगह, 1 अपॉन सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन डी इंटू एक्स प्लस सिग्मा 1। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एरिया तो वही रहेगा क्या? ए ही रहेगा। अरे बोलो, जो भी है एरिया तो वही रहेगा, प्लेट का एरिया या इसका एरिया, एरिया तो वही रहेगा ना, परपेंडिकुलर एरिया भाई। अरे बोलो, हाँ एरिया तो वही है सर। ओके बहुत बढ़िया आया। अरे वाह, एरिया कौन सा होता है? करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। मतलब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि यार ये मटेरियल है तो इसका एरिया तो वही है अभी भी जो प्लेट का एरिया है। क्लियर है? हाँ, तो ए हो गया। और एल, एल कितना हो जाएगा बेटा? डीएक्स हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? डीएक्स। अब क्या करें सर,
इंटीग्रेट कर दो, अरे क्या कर दो, इंटीग्रेट दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दो, एरिया को यहां लिखता हूं। तो ये आ एरिया बाहर आ गया, आ गया सर, इंटीग्रेशन आता है, ये कौन सा इंटीग्रेशन है, डीएक्स अपॉन ए प्लस एक्स वाला लॉग एक्स, कहां से कहां तक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो से लेकर डी तक, जीरो से लेकर डी तक, लिमिट कैसे लगाई समझ आई, जीरो से डी तक, एक्स वहां से वहां तक बदल रहा है। तो देखो सर लॉग, बहुत बढ़िया, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन अपॉन डी इंटू एक्स प्लस सिग्मा वन, और जो एक्स के साथ होता है उसका डिवाइड करते हैं, हाँ सर, तो सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन और डी ऊपर चला जाएगा तो ये यहां पर, डी ऊपर चला जाएगा तो ये यहां पर, कोई दिक्कत किसी को कैसे भी बेटा नहीं है। चलिए देखिए इधर, अब देखिए सुनिए मेरी बात, अब बिल्कुल ध्यान से, लिमिट लगाओ सर, लिमिट मत भूल जाना, जीरो से डी लिमिट लगाओ, तो देखें किस किस को आती है भाई लिमिट लगानी, हो गया आप क्वेश्चन, हो गया कोई कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम आराम से इसलिए सिखा रहा हूं ताकि एक एक बात समझ आए तुम्हें। लिमिट लगाई सर, जब डी रखा तो डी ने डी को मार दिया और सिग्मा वन ने सिग्मा टू को, अरे सर ये लॉग सिग्मा टू आ गया, और जब जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया और सिग्मा वन, क्या मैं डायरेक्ट ये लिख दूं, देख बेटा, अरे लिख दूं क्या, अरे एडवांस की तैयारी कर रहा है ना मेरा बच्चा, और ये नीचे ए सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, देखो सबका ये आ रहा है क्या, देखो 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 सबका ये आ रहा है क्या, हाँ, अब क्या करंट पूछा है, अब तो आंसर 1 सेकंड का खेल है सर, करंट के लिए V बराबर IR कर दो, अरे क्या कर दो, IR, तो I बराबर क्या, V बाई R, और V की वैल्यू तो V है, R की वैल्यू ये रही D log सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, ऊपर चला जाएगा A सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, सारी वैल्यू डालिए, आंसर निकालिए, आपका करंट का आंसर आ जाएगा, सारे डाटा में दे रखा है, इज दैट क्लियर, आराम से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट और प्यारा कंसेप्ट है, एज इट इज क्वेश्चन मिल सकता है आपको एडवांस में, चलिए करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर बढ़ते हैं अपन अगले कंसेप्ट पे। अगला क्वेश्चन लीकेज करंट वाला, अगला क्वेश्चन क्या, लीकेज करंट वाला, हो गया स्क्रीनशॉट, किया किसी ने लीकेज करंट वाला, यही है ना लीकेज करंट वाला, देखिए इधर बड़ा कर देता हूं इसको मैं, हाँ बहुत बढ़िया, क्वेश्चन है आपके सामने, वैसे तो क्वेश्चन तो मुझे लाने की भी जरूरत नहीं थी लीकेज करंट का, सिर्फ डाटा, क्वेश्चन से सिर्फ डाटा है, आपको डाटा डालना होगा अगर आपने लीकेज करंट निकाल दिया होगा, लीकेज करंट निकाल दिया होगा तो आपको सिर्फ डाटा ही पुट करना होगा, किस किसने किया है भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखो बहुत प्यारा और आसान सा है यार लीकेज करंट का, 1 सेकंड में हो जाएगा, देखो 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 सर, 1 सेकंड तो लिखने में ही लग जाता है आपको, कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस डी है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, कैपेसिटेंस सी है, और एरिया एस दे रखा है, तो एस है जो भी दे रखा हो एरिया, ठीक है, कितना दे रखा है भाई एरिया, नहीं दे रखा कोई बात नहीं ए ले लो। अब सुनना, लीकेज करंट सर ने सिखाया था अभी कि यार कैपेसिटर रखा रखा क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लिखेगा बच्चा क्या, आर बराबर रो एल, एल की जगह क्या डी अपॉन ए, हाँ सर, कैपेसिटेंस क्या लिखेगा बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मल्टीप्लाई कर दे दोनों को सर, आर सी बराबर देखो एडी से एडी कट गया, रो एप्सिलॉन नॉट, क्या के भी आएगा यहाँ, हाँ मटेरियल रखा हुआ है ना तो के भी आएगा, तो ये के, तो आर आ गया सर कितना, रो एप्सिलॉन नॉट के बाई सी, याद रखे रेजिस्टेंस आ गया, लीकेज करंट आ गया, देखिए रहा आई बराबर वी बाई आर, सब कुछ दे रखा है, किस किस का आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं एक बढ़िया और प्यारा सा कंसेप्ट लेके एक बार फिर, ये छुप गया सारा जहां, देखो ये लो भाई दिखाई दिया अब, यही वैल्यू यहां पर रखी, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और अगर कोई नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें यार, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर बराबर मिलेंगे और मिल भी रहे हैं, चलिए थैंक यू यार।